हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज है 10 जुलाई और जितना भी करंट अफेयर्स बनता है पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद जो इसकी PDF है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो दोस्त इसको इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं उनके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसका इंग्लिश वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा और इंग्लिश की PDF भी आपको मिल जाएगी। साथ ही देखिए, यहाँ पे जो दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, इस तरह का जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, इसे दबाना है। साथ ही जो घंटी बटन है इसे भी दबा लेना है, जिससे कि जो डेली की करंट अफेयर है अपनी ऐसी ही और जो अदर इंपॉर्टेंट वीडियो है अपने चैनल से रिलेटेड वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसकी जो क्विज थी आपके लिए, उसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। जो कन्या वन समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऐसे ही जो आज की क्विज है आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो आज की करंट अफेयर है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट ओजोस डेल सलादो का संबंध किस पर्वतमाला से है? तो ये एंडीज पर्वतमाला से संबंधित है। और एंडीज पर्वतमाला की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे तो जो अर्जेंटीना और जो चिली है इन दोनों की सीमाओं के साथ ही ये फैली हुई है ये एंडीज पर्वतमाला, और इसी के अंदर ये ज्वालामुखी स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। अभी देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली जो हमारे भारत के ही एक पर्वतारोही जिनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत के द्वारा इस पर चढ़ाई पूरी की है, यानी कि इस पर फतेह हासिल की है चढ़ाई के अंदर, और इसी के साथ ये भारत के दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं इस पर चढ़ाई पूरी करने वाले। इससे पहले जो भारत के व्यक्ति इस पर चढ़ चुके हैं उनका नाम है मल्ली मस्तान बाबू इस पर पहले जो है व्यक्ति बन चुके थे जो चढ़ाई करने वाले, और दूसरे बन चुके हैं जो सत्यरूप सिद्धांत है। ठीक है, इसकी टोटल हाइट की अगर बात करते हैं तो इसकी जो टोटल हाइट है दोस्तों वो है 6,893 मीटर, इसकी टोटल हाइट है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत नोएडा में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सैमसंग कंपनी के द्वारा। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन, वो अभी भारत के दौरे पर हैं प्रेजेंट में। ठीक है, और इसी दौरान जो भारत के मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने और जो मून जे इन यहाँ के राष्ट्रपति है दक्षिणी कोरिया के, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है इस प्लांट का नोएडा के अंदर, और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन चुका है। 2 करोड़ सेलफोन ये हर महीने बनाएगा और साथ ही 70,000 से लगभग यहाँ पे जो रोजगार है लोगों को मिलेगा इससे। बात करते देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कितने शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान की श्रेणी में शामिल किया गया है? टोटल 6 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। और अगर बात करते हैं कि उत्कृष्ट संस्थान की, तो भारत का एक तरह से जितने भी जो इसमें शामिल किए जाते हैं संस्थान उनको एक बजट प्रदान किया जाता है, और इसमें देखिए इनको जो है 100 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया जाता है, और ये बजट जो प्रदान किया जाता है इनकी डेवलपमेंट के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अंदर जो शामिल किया जाता है उनको विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए ही इसमें शामिल किया जाता है इनको। देखिए, जो इस बार शामिल किए गए हैं जिसमें 6 संस्थान शामिल है, एक तो ये रहा, देखिए ये आपके सामने है भारतीय विज्ञान संस्थान है, और एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मुंबई में है ये शामिल है इसमें, और जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वाला है ये इसमें शामिल किया गया है। साथ ही जो जियो इंस्टीट्यूट पुणे है ये इसमें शामिल किया गया है, बिरला इंस्टीट्यूट शामिल किया गया है, और जो मणिपाल अकेडमी है ये इसमें शामिल की गई है। तो इसमें 3 जो गैर सरकारी और साथ ही जो 3 सरकारी जो इंस्टीट्यूट है वो इसमें शामिल किए गए हैं इस बार। ठीक है, बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के पहले पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की है? तो ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। जो भारत में पहला भारत पर्यटन मॉल का जो मार्ट का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा जो 16 और 18 सितंबर है, 16 से और 18 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, हाल ही में भारत ने 15 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक के साथ
100 मिलियन यूरो ऋण देने के लिए समझौता किया है। तो ये क्या है, फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक की, जो कि फ्रांस का बैंक है और इन शॉर्ट इसको FDA आप कह सकते हो, इसी के साथ ये समझौता हुआ है टोटल 100 मिलियन यूरो का, ठीक है। और इसका लक्ष्य था जो हमारी जो इसके अंदर जो 15 स्मार्ट सिटी जो है इसके अंदर सेलेक्ट की जाएगी, और ये 15 स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनको एक बेहतर क्वालिटी और डेवलपमेंट के लिए ये ऋण का समझौता हुआ है। साथ ही यहाँ पे देखिए ये साइन देख रहे हो आप, ये यूरो का साइन है, इसका यूरो से इसलिए है कि जो समझौता हुआ है ये फ्रांस है, फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है और इसीलिए ये यूरो में समझौता हुआ है। इसको अगर हमारे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, देखिए एक यूरो बराबर हम बात करते हैं तो लगभग होता है 80 पॉइंट कुछ होता है, 80.5 या फिर ऐसा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे टोटल बजट की बात करते हैं तो ये हो जाता है 809 करोड़ रुपए के समथिंग ये समझौता हुआ है इंडियन करेंसी के अंदर। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे करेंसी हमने देख ली इसकी, वो है यूरो, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है पेरिस, यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा ब्रेक्सिट का संबंध किससे है, तो ब्रेक्सिट संबंधित है ब्रिटेन से। देखिए इसके बारे में वैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। और ये अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इसकी जो सेक्रेटरी है ब्रेक्सिट की, जिसका नाम है डेविड डेविस, यहाँ की इसकी जो सेक्रेटरी है वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसलिए ये खबरों में है। देखिए ब्रेक्सिट की अगर बात करते हैं, इसको जानने से पहले आपको जानना है ईयू के बारे में, ठीक है। ईयू यानी कि यूरोपियन संघ है, इसके बारे में जानना जरूरी है। यूरोपियन संघ जो है एक संगठन है टोटल 28 देशों का, ठीक है, और ये 28 देशों का संघ है जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। अब हुआ क्या है कि कोई भी देश अगर इस संगठन से बाहर निकलता है, इसकी सदस्यता छोड़ता है, ठीक है, तो एक तरह से वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। एग्जिट इंग्लिश में आप इसको एग्जिट बोल सकते हो। तो इसी प्रकार जो ब्रिटेन है इससे एग्जिट हुआ है, तो यहाँ पे ब्रिटेन और एग्जिट को मिलाकर ये ब्रेक्सिट वर्ड यहाँ पे बना है, इसीलिए ब्रेक्सिट नाम यहाँ पे दिया गया है इसको। बात यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं, हाल ही में खबरों में रहा INS त्रिखंड का संबंध किस देश से है, तो ये हमारे भारत से ही संबंधित है। जो ये हमारा भारत का ही एक नौसेना जहाज़ है जो अभी रिसेंटली भारतीय जो श्रीलंका है उसके दौरे पर है, और इसी दौरे के दौरान दोनों देशों की जो रक्षा जो समिति है उसके बीच में काफ़ी सारी वार्ताएं वगैरह भी हुई है, तो इसी से रिलेटेड ये खबरों में रहा है। देखिए अगर बात करते हैं INS त्रिखंड की, तो ये इसका पूरा नाम होता है INS त्रिकांड सद्भावना, इसका पूरा नाम है, जिसको 2013 के अंदर भारतीय सेना के अंदर इसमें शामिल किया गया था, भारतीय नौसेना के अंदर इसको शामिल किया गया था। एक तरह से जहाज है पूरा INS त्रिकांड, और इसको 2013 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अगर बात करते देखिए इसकी, तो इसका निर्माण जो किया गया था वो किया गया था रूस के द्वारा, रूस से ही भारत ने इसको खरीदा था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में माइकल ओडांतजे को किस उपन्यास के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है इनको, जो इनकी कृति जो इनका उपन्यासकार है द इंग्लिश पेशेंट, इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, हाल ही खबरों में रहा ट्रेन 18 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसके रिलेटेड ये कथन दे रखे हैं, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है इससे रिलेटेड। पहला बोल रहा है कि यह भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, तो बिल्कुल सही है, भारत की ही एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और जिसको नाम दिया गया है ट्रेन 18। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया है, तो ये भी सही है। और तीसरा बोल रहा है इसकी कुल स्पीड है 160 किलोमीटर पर हावर, ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन इससे रिलेटेड सही है। अभी देखिए सरकार ने घोषणा की है कि ये कंप्लीट है ट्रेन, और इसको जो है जो सितंबर है 2018 उसमें कम्प्लीटली इसको जो है लाइव कर दिया जाएगा, इसका मतलब कि प्रचलन जो चालू है इसको कर दिया जाएगा, और इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, US न्यूज एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार टॉप 25 सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को जो रैंक मिली है वो मिली है 15th रैंक जो है, इसमें इंडिया को मिली है 15वीं रैंक। देखिए ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, टोटल जो है 80 देशों की रिपोर्ट थी ये, ठीक है, जो जारी की गई US न्यूज एंड वर्ल्ड के अनुसार, और इसमें जो हमारे 80 देशों की जो रिपोर्ट है इसमें भारत को जो रैंक मिला है वो 15वां स्थान इसमें मिला है।
टॉप थ्री कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो पहला कंट्री इसमें शामिल है वो है अमेरिका। अमेरिका को फर्स्ट रैंक इसमें मिला है, सेकंड रैंक इसमें मिला है रूस को, और जो थर्ड रैंक मिली है इसके अंदर वो मिली है चीन को, और फोर्थ रैंक मिली है इसमें जर्मनी को। इंडिया को इसमें 15वां रैंक मिला है, और हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है इसकी अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान को इसमें मिला है 22वां रैंक। तो ये थी सबसे ताकतवर देशों की सूची। अब बात करते हैं दोस्तों आज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे मैंने कल की क्विज में प्रोवाइड करवा दिया था आपको, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। 9 से 13 जुलाई तक आयोजित होने वाले 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए कल ये क्विज में मैंने आपको अपडेट कर दिया था, लेकिन इसका जो कल की क्विज का आंसर मैंने थोड़ा सा आपको जो है गलत बता दिया था, इसलिए मैंने आपको अपडेट करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से रिपीट किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा, कनाडा के अंदर ये हुई है। तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, और इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ये गलती हुई है उसके लिए, और इस आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी गलती मैं फिर से ना दोहरा सकूँ, ठीक है? तो इसे आप ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए। तो क्वेश्चन है आज की क्विज का कि देश का पहला खादी मॉल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये आपकी क्विज है, इसका जो भी आंसर है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, जिसका डिस्कशन का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।